सियासी पार्टी जो हमारे वोट का दावा करती हैं, क्या इन जख्मों पे उन्हें मरहम भी लगाना चाहिए या नहीं। मैं आम आदमी पार्टी के उन मेंबर्स में से हूं, आज तो माशाल्लाह बहुत से लोग कुछ यूं एक अफवाह फैला रहे हैं कि आंधी आई हुई है और तूफान आया हुआ है। मैं आपसे सिर्फ इतना दरख्वास्त करना चाहता हूं, आंधियों को गुजर जाने दो, उस दरख्त की तरह खड़े रहो अपने इरादों में। तुम हिलना नहीं, तुम्हें कोई आंधी हिला नहीं सकती। मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि मैं आपके बीच सिर्फ एक तकाजा लेके आया हूं, वो तकाजा है आपके अपने इत्तेहाद का। इत्तेहाद कायम करो, आपस में न बटो। अगर तुम आपस में नहीं बटोगे तो इंशाअल्लाह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नापाक इरादे कभी कामयाब इस मुल्क में नहीं होंगे। उन्होंने खास तौर से ओखला के इस असेंबली हलके में यह इलेक्शन मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में कर दिया है। उन्होंने इस समाज को बांटने की कोशिश की है। मैं बिरादरान इस्लाम से यह दावा करता हूं कि तुम मुत्तहिद हो जाओ, तुम अपने ताकत को दिखा दो और बता दो क्यों खड़ा की सरजमी पे आरएसएस का कमल नहीं खिल सकता। हमारे बाजुओं में इतनी ताकत है, हमारे बच्चों में इतनी ताकत है, आसिफ मोहम्मद की शक्ल में उस कमल को हम कुचल देंगे। मैं बताना चाहता हूं आपको, अरविंद केजरीवाल के काम करने के तरीकेकार को बताना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जब तक मुसलमान उनके साथ नहीं जुड़े थे दिल्ली में, उन्होंने बड़े लंबे चौड़े वादे किए, उन्होंने आपके क्यादत की बात की, लेकिन जब 49 रोज की हुकूमत उनके हाथों आ गई तो उनके भी इरादे उन हुक्मरान की तरह नापाक हो गए। मैंने पूछा, 24 दिसंबर को कौशाम्बी के अंदर मैंने अरविंद केजरीवाल से 1.5 घंटे बहुत से सवाल किए, मैं सिर्फ 5-6 सवाल उसमें से आपके सामने रखूंगा, और उन्होंने मेरे 1.5 घंटे के सवाल का सिर्फ 1.5 मिनट में जवाब दिया, और उनका जवाब क्या था वो भी आपके सामने रखूंगा। मैंने पूछा कि माननीय केजरीवाल जी, आप आम आदमी पार्टी के संरक्षक हैं, वहां कोई पार्टी प्रेसिडेंट नहीं होता, स्वराज का नारा आवाम के लिए है, पार्टी के लिए नहीं। उनके पीएसी में सारे फैसले अरविंद केजरीवाल खुद लेते हैं, किसी से डिस्कस नहीं करते। अपनी पीएसी में जिसको तबीयत होती है उसको बुलाते हैं, जो पास करना होता है वो पास कर देते हैं। बहरहाल ये उनके पार्टी के अंदर काम करने का तरीका है, मैं उस पर आपके सामने कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन मैंने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि आपने वादा किया था कि दिल्ली के अंदर 15 से लेकर 17% मुसलमान हैं, आप मुसलमानों को उनकी क्यादत देंगे उनके पॉपुलेशन के हिसाब से। उन्होंने कहा कितने होते हैं, हमने बताया, हमारी माइनॉरिटी कमेटी ने बताया कि हमारे 10 नुमाइंदे होते हैं। उन्होंने कहा, पहले उन्होंने कहा आप 10 की बात करते हैं इंडिया इस्लामिक सेंटर में, उन्होंने कहा मैं 18 दूंगा। अब जब 24 दिसंबर को 25 नवंबर को माइनॉरिटी विंग ने रिजोल्यूशन पास किया और कहा कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, 10 सीट आपको 10 नुमाइंदगी मुसलमानों की देनी होगी, तो अरविंद केजरीवाल ने 24 दिसंबर को कहा कि अब ये दिन भी आ गए कि आप लोग नुमाइंदगी की बात करेंगे। भाई और रिकॉर्डेड है, जिसे भी शुभा हो, आम आदमी पार्टी के कोई भी सिंपथाइजर हो, अगर उनके दिल में जरा से भी शक है मेरे पास आए, मैं खैर मकदम करता हूं, मैं 1.5 घंटे की वो सारी डिस्कशन उनके सामने रख दूंगा। मैंने पूछा कि माननीय केजरीवाल जी ये बताइए कि अभी दिल्ली के अंदर फसादात हुए त्रिलोकपुरी के अंदर, माइनॉरिटी कमेटी ने एक रिजोल्यूशन पास किया सर्वे करने के बाद कि हमारे मुस्लिम भाई त्रिलोकपुरी के अंदर जो जिनके दुकानों पे जिनके घरों में आतिशबाजी हुई थी उसमें आपका एमएलए राजू ढिंगान मुलव्वस है। अरविंद केजरीवाल ने अगस्त के महीने में
टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू सब में आ गया कि राजू धिंगान का टिकट काट दिया, क्योंकि राजू धिंगान वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस कम्युनल राइट में इन्वॉल्व है। फिर केजरीवाल साहब ने जब राजू धिंगान को टिकट दे दिया, मैंने पूछा कि हमने जब ये रिकमेंड किया था क्या हमारे जख्म पे आप बरहम भी नहीं लगा सकते, तो उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने रिपोर्ट दिया है राजू धिंगान क्लियर है। गोया की माइनॉरिटी कमेटी जो जिसके की 350 मेंबर्स थे उनकी सर्वे की रिपोर्ट को एक मनीष सिसोदिया जुटला देता है। इरफानुल्ला खान उनके जो कि आपके बीच पिछली मरतबा 23,500 वोट वो लेकर गए, उनकी क्यादत तक को अरविंद ने कबूल नहीं किया जब उसे एहसास हो गया कि मुसलमानों के बीच में कोई लीडर पैदा हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के एक सिपाही मनीष सिसोदिया ने कहा कि इरफानुल्ला खान तुम अगर मुसलमान हो तो मनीष सिसोदिया हिंदू है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या हमारा हक हक नहीं, क्या हिंदुस्तान का आईन हमारे हक के तहफ़्फ़ुज़ की बात नहीं करता, क्या हिंदुस्तान का प्रीएम्बल ये नहीं कहता कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सॉलेमनली रिजोल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अगर वी की बात करता है तो वी हिंदू और मुसलमान मिलकर बनते हैं। अगर मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ आम आदमी पार्टी नहीं कर सकती तो उसे कोई हक नहीं पहुंचता कि मुसलमानों के दम पे सियासत करे। आप यकीन जानो, आप अपने हाथ खींच लो, आरएसएस की ये टीम अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होगी। ये आप हो, ये आपकी ताकत है दिल्ली के अंदर। सीधा इक्वेशन है, सीधा इक्वेशन। अगर सर्वे, हालांकि ये सब खरीद सर्वे है आरएसएस के, अगर वो बीजेपी को बढ़ता नहीं दिखा सकते तो वो आम आदमी पार्टी को बढ़ता हुआ दिखाएंगे, किसी और को नहीं दिखाएंगे। लेकिन मैं आपसे दरखास्त करता हूं, मेरे मोहतबरा दरखास्त है, मेरे दामन में पीछे दो आसिफ वतो खान के नाम पर इत्तेहाद की मोहर लगा दो। अरे वालों, इत्तेहाद की मोहर लगा दो कि आसिफ वतो खान हमारा कायद है। मैं वो जख्म लेकर आया हूँ जिस जख्म को अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के ब्रिगेड ने दिया है, सिर्फ इसलिए कि मैं मुसलमान हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैंने मुसलमानों की सदा बुलंद की है। तुम्हारे बीच बनकर वो शख्स आकर कल मक्कारी करके चला जाता है, कोई वादे नहीं करता। हमने जब उसे पूछा कि तुमने बटला हाउस में एसआईटी की बात की थी तो उसने कहा हमारे दो मासूम बच्चे जो शहीद हुए थे, कहा वो आतंकवादी थे, इसलिए मैंने एसआईटी नहीं बिठाई। क्या आप ऐसे लोगों की ताकत के सामने झुक जाएंगे? आपको फैसला करना होगा और 7 तारीख को ईवीएम पर अपने इत्तेहाद को दिखाना होगा। आपको ये दिखाना होगा कि ओखला के सदा, ओखला से जो सदा बुलंद होगी वो अपना कायद चुनेगी और हमारा कायद आसिफ मोहम्मद खान है, क्योंकि आसिफ मोहम्मद खान वाहिद वो शख्स है जो बगैर किसी पार्टी लाइन के आपके हिफाजत के लिए, आपके मामला के लिए आगे बढ़कर आता है। कोई और कैंडिडेट नहीं आ सकता, उसकी तो इतनी भी जरूरत नहीं है कि अपने नाम पर वोट मांग सके। वो आपके बीच में वोट भी मांगता है तो अरविंद केजरीवाल के नाम पर मांगता है। और आप मुझसे पूछिए कि क्या तू मिलने की सियासत कर सकता है, क्या तू कैदर कर सकता है, कोई जवाब नहीं मिलेगा। उसका एक जवाब होगा 5 साल केजरीवाल, पूछिए 5 साल में क्या खेलवाड़ खेलना चाहता है केजरीवाल मुसलमानों के साथ। यह इलेक्शन में आपको साबित करना होगा कि ओखला का मुसलमान मुत्तहिद हो चुका है। बस इसी दरखास्त के साथ ईवीएम पर इतनी मोहर लगाइए आसिफ मोहम्मद खान के नाम की, इतनी लगाइए कि चारों तरफ से सिर्फ आसिफ मोहम्मद खान और आसिफ मोहम्मद खान हो रहा हो। अल्लाह।